सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। इस वीडियो को शुरू करने से पहले फर्स्टली जो लोग एग्जॉस्ट के दीवाने हैं, पसंद करते हैं लाउड एग्जॉस्ट, उनके लिए ये क्लिप आप पहले देख लो। ट्रायंफ रॉकेट तो आपने देखा ही होगा, पर उस पे जार्ड एग्जॉस्ट लगने के बाद उसमें जो भयंकर साउंड मैं सुना हूं गाइज, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, कुछ अजीब ही टाइप का है। प्लीज सी द क्लिप फर्स्ट। था ना अमेजिंग, आई टोल्ड यू गाइस। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, इस वीडियो में जो है मैं अपने लोकी का, ट्रायम्फ, डेटोना का फोर्थ सर्विसिंग का डिटेल्स आपको देने वाला हूं। तो उसके पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि मेरा जो लोकी है, माय ट्रायम्फ डेटोना, दैट इज 2016 मॉडल। सो टेक्निकली ये फोर्थ सर्विस तो है नहीं उसका, इट इज मच मोर देन दैट। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि भाई 7-8 साल उम्र हो जाने के बाद बहुत से लोग जो है सर्विस बाहर से करवाते हैं, ऑथोराइज सर्विस सेंटर से नहीं करवाते हैं, एंड आई एम प्राउडली वन ऑफ देम जो सर्विस सेंटर से ही काम करवाना पसंद करते हैं। तो उसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम है, दैट इज ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज द लेबर कॉस्ट। तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते गाइज, पर उसमें जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है, जो मेंटल पीस आपको मिलता है कि चलो मैंने सही जगह से सही काम करवाया, दैट इज सिंपली प्राइसलेस गाइज। यू कैन नॉट पुट अ प्राइस टैग ऑन दैट। सो आई नो के देर आर लॉट ऑफ गाइज दैट वोंट एग्री विथ मी, बट इट्स पर्सनली माई व्यू। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दे देते बिल का डिटेल्स, अनलाइक माई अदर वीडियो जिसमें लास्ट में मैं डिटेल्स देता था। तो इस वीडियो में जो है मैं शुरू में आपको जो बिल आया था मेरा उसका डिटेल्स मैं दे देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे मेन सर्विसिंग वीडियो पे। सो दिस इज द फाइनल बिल गाइज, यू कैन सी द टोटल अमाउंट इज 11,084। दिस इज द प्राइस ब्रेकअप। ये रहा पार्ट्स का, कैस्ट्रॉल का, इंजिन ऑयल, फिल्टर ऑयल, वॉशर सीलिंग, कूलेंट, ब्रेक क्लीनर, चेन क्लीनर लेकर के 7,484। एंड उसके बाद कंज्यूमेबल्स, एनुअल सर्विस, कूलेंट टॉप अप का लेकर के 3,600। तो टोटल 11,084। तो भाई 2830 रुपये ये जो है ये आपका लेबर चार्ज हो जाता है, तो इसके चलते जो है बिल बढ़ जाता है। और उसके साथ तो ये ही है CGST एंड SGST। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो गाइस, बाइक का जो हालत है आपको दिख ही रहा होगा, ये लास्ट संडे राइड से जो है बाइक का ऐसा हालत हो गया है। मैं जल्दी भी था मुझको कि वॉशिंग भी नहीं करवा पाया, ऐसे ही रख दिया था इसको। तो दिस इज गोइंग टू द थर्ड डे, मैं जो है पार्ट इसका काम करवा रहा हूँ। तो आज चल रहे नए एक वर्कशॉप पे OSL ट्रैम का, जिसमें मोनोजीत ज्वाइन किया है। चलिए चल के देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है आज इंस्टॉल करवाएंगे शॉटल केबल एंड द एक्चुएटर। वेदर ठीक नहीं है गाइज, और इसका पोल्यूशन भी करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेंगे। तो सर्विस का भी सोचा हूँ, अभी जाके देखता हूँ। ये रहा इसका एंट्रेंस गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं OSL ट्रायंफ, जो कि है चिनार पार्क में इनका वर्कशॉप। स्टोर जो है वो VIP रोड के ऊपर है, बागवेटी फ्लाईओवर से उतरने के बाद ही टूअर्ड चिनार पार्क, लेकिन आया हूं मैं सर्विस सेंटर। इसका सर्विस हो गया है कंप्लीट। थंडरबर्ड Only one in West Bengal. सर्विस के लिए तो
गाइस अभी जो है OSL ड्राइव में मैं आ गया हूँ। गाड़ी का जो है काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये फर्स्ट वर्कशॉप है जो मतलब फर्स्ट टाइम मैं काम करवा रहा हूँ इधर पे। बेसिक एनुअल सर्विस ही मैं करवा रहा हूँ, तो उसमें जो है आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और कूलेंट आज चेंज हो रहा है। तो एस्टिमेट ऑलरेडी आ गया है 13,000 का। काफ़ी सारा बार्गेन करने के बाद, अभी बार्गेन तो सिर्फ लेबर चार्ज में ही होता है गाइस, तो उसी में जो है 15 से 13 आया है बजट। अभी काम चल रहा है, वेदर ठीक नहीं है गाइस, बारिश हो रहा है, तो गाड़ी क्लीनिंग करने के बाद भी निकलेंगे तो गाड़ी का हालत ख़राब ही होने वाला है। और पार्ट्स में जो है आपका चेंज करवा रहे हैं, पीछे का इंडिकेटर जो आपने देखा हुआ है कि टूट गया है। तो डेटोना का जो है गाइस इंडिकेटर आता है 9,000 का करीब फॉर रिपेयर, तो वो नहीं करवा रहे, उतना पैसा नहीं है। तो आई एम गोइंग फॉर द ट्रायंफ 400 इंडिकेटर, तो उसका आ रहा है करीब 1700 फॉर रिपेयर। ये क्या चीज़ है पता है, ये बाइक का एसी है भाई, एसी ठंडा कर रहा है इंजन। इंजन ऑयल चेंज, तो ये वाला जो है फिटमेंट होगा, दिस इज द एक्चुएटर एंड ये रहा इसका शटल केबल। प्राइस है 3201 एंड एक्सपोर्टर का प्राइस है 4688। ये आज इंस्टॉल हो रहा है, जब भी आएंगे तो साथ में आएंगे, खाली तो नहीं आ सकते है ना, जब भी आएंगे तो पूरा आएंगे। इंजन ऑयल चेंज अभी करेंगे, कैस्ट्रॉल पावर वन जो कि ट्रैम का रिकमेंडेड इंजन ऑयल है, 3 लीटर 200 ml लगता है इसमें टोटल मोबिल। कमाल इधर पे निकल रहा है यार प्रेशर में भाई, गोल्डन का कलर देखो भाई, दूसरा ही कलर हो गया इसका तो। देखो तो 2 लीटर 200 भाई, अपना प्लान हो गया फेल। ट्रायंफ 400 का जो इंडिकेटर इसमें हम लोग डालने वाला थे वो इसमें आया ही नहीं, फिट ही नहीं किया। इसमें जो दो होल्स है आप इधर पे देख लो, ये दो होल्स, एक में से स्क्रू निकलता है और दूसरे में से वायर, तो वो फिट हुआ नहीं, काफ़ी घिसा भी गया उसको, लेकिन वो अल्टीमेटली फिट नहीं हुआ, सो प्लान हो गया कैंसिल। फाइनली वॉशिंग का काम भी चल रहा है, बहुत लेट हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। अभी बज रहा है करीब 8:30 और मैं आया था अराउंड 11:30 और 12 आई थिंक। तो इंडिकेटर जो है फाइनली स्पीड 400 का लगा नहीं, उसका जो दोनों साइड का क्लैंप है, एक साइड फिट होता है, एक साइड मतलब एक साइड से जो है वायर पास होता है और एक साइड से जो है स्क्रू लगता है, वो फिट हुआ नहीं। उसमें बहुत कलाकारी की जो है कोशिश की गई, उसके बाद फिर नहीं हुआ, तो किस्मत में था नहीं, लेकिन भाई जो है फिर भी कुछ से मत काम किया उसने। अभी शकुनी मामा जैसा थोड़ा ऐसा हो गया है लेकिन काम अभी चल जाएगा। अब निकलते हैं भाई, घर में जो है बहुत गाली पड़ने वाली है। आई एम सॉरी ऑज, आज तुम्हें लेकर मैं निकलने वाला था लेकिन भाई बहुत बुरा मैं फंस गया, तो आई एम सॉरी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।